तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता नाजरीन मैं हूँ बसमिल्लाफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल आज जो मैं आपके सामने सवालात पेश करूँगा वो मसनवी से मतलब हैं क्योंकि इससे पहले मैं उर्दू यू जी नेट का जो सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर टू मसनवी का जो यूनिट है उसी से बात कर रहा हूँ कल मैंने तारुफ पेश किया था मुल्ला नसरती का आज उन्हीं की जो मसनवी है गुलशन इश्क गुलशन इश्क जो है इस मसनवी से मतलब बात करते हैं सबसे पहले इस म, इसके बाद इस मसनवी का ख़ुलासा कल मैं पेश करूँगा मसनबी गुलशन इश्क जो है उससे मतलब ये सबसे पहले तो जानते हैं कि सोलह सौ सत्तावन में ये लिखी गई और एक हज़ार अड़सठ हिजरी में लिखी गई याद रखना मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि पाँच सौ नवासी साल सन आगे चलते हैं हिजरी से तो पाँच एक हज़ार अड़सठ में आप पाँच सौ नवासी जोड़िए सोलह सौ हो जाएंगे गुलशन इश्क की इश्क जो है वो नुसरती की अवलिन तख्लीक है और ये एक इश्क मसनबी है गुलशन इश्क का सन जो है वो तसनीफ़ जो है वो लिखी गई उन्नीस सौ सोलह सौ सत्तावन में ये बात मैं पहले बयान कर चुका हूँ इसके बाद में मसनबी गुलशन इश्क जो है उसके नुसरती ने नबी अब्दुल समद की तरगैब के बा, बाद लिखी इसके बाद में मसनबी गुलशन इश्क जो है अली आदिल आदिल शाह शानी जो हैं उनके हुकूमत के इब्तदाई दौर में लिखी गई ये याद रखना कि ये लिखी किस बादशाह के दौर में गई है तो अली आदिल सानी ये भी याद रखना इनके इब्तदाई दौर में लिखी गई है मसनबी गुल गुलशन इश्क़ जो है उसका असल कस्सा मनोहर और मदमालती की दास्तान श्क का है इसको याद रखना दास्तान श्क इसमें बयान की गई है मनोहर और मदमालती मधमालती की और मसनबी में ज़मीनी तौर पर चंपावती और चंद्रसेन की दास्तान भी बयान की गई है चंपावती और चंद्रसेन याद रखना और मनोहर और मधमालती इनकी कहानी इसमें लगभग कहानी अगर हिंदी के आपने एक रचना पढ़ी होगी मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं उनसे से उनकी लिखी हुई पद्म नागमती का वियोग वर्णन तो ऐसा लगता है इसमें भी वही चीज़ें बयान की गई हैं लगभग वही चीज़ें हैं अब ये ख़ास तौर से नहीं बताया गया है कि ये किससे मुतासर होकर लिखी गई है मसनबी का किस्सा कहाँ से लिया गया है ये कहना दुश्वार है हाँ इससे पहले एक फ़ारसी किस्सा फ़ारसी किस्सा जो है वो मनोहर और मदलत उन्नीस एक हज़ार उनसठ हिजरी सोलह सौ सो अड़तालीस में मिलता है यानी जो मसनबी नुसरती की है गुलशन इश्क उ, उसी से मिलती जुलती एक मसनबी से पहले सोलह सौ अड़तालीस में लिखी गई थी फ़ारसी में इसके बाद में एक किताब आकल खान राजी की मसनवी महरमाह महरोमा है जो सोलह सो में लिखी आ, त, की तसनीफ़ है हिजरी एक हज़ार पैंसठ की तसनीफ़ है मुमकिन है नुसरती की नज़र से आक़िल की मतनबी महरो महरोमा गुजरी हो इस बात को कहा किसने है मौलवी अब्दुल हक ने महकक हैं मौलवी हक उन्होंने इस बात को भी ज़ाहिर किया है कि आक़िल खान आ, राजी की मसनबी है महरोमा और उस उस पर नज़र ज़रूर रह रखी है नुसरती ने उसको मद् नज़र रख के अपनी मसनबी गुलसन इश्क लिखी है तो आज मैंने ये बात की अब अगली वीडियो में बात करेंगे मसनबी जो गुलसन इश्क है इसका ख़ुलासा और उसके बाद में इस मसनभी के जो करदार हैं उन पर बात करेंगे तब तक ले शुक्रिया खुदा हाफिज़